नमस्कार दोस्तों, मैं एफएल स्टूडियो में म्यूजिक का काम करता हूँ। आप मेरी वीडियो एमएच स्टार पर देख सकते हैं, मैं बहुत सी वीडियो बना रहा हूँ। और आप मेरे चैनल पर जब आए हैं तो कुछ भी सीखना चाहते हैं, म्यूजिक से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा जितना मुझे पता होगा मैं आपकी हेल्प कर दूँ। अभी मेरे हाथ में आप देख रहे हैं एम ऑडियो, इसको बदलकर मैंने एम ऑडियो इंटरफेस को बदलकर इसको क्यों बदला, 2-3 साल मैंने इससे काम किया लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम थी वो मेरे लिए बड़ी समस्या बनी और मुझे इंटरफेस एक नया लिया है, बहुत कमाल का इंटरफेस, उससे मैं आपको अभी जानकारी देता हूँ। लेकिन किसी दोस्त को ये एम ऑडियो चाहिए हो तो मैं बहुत ही कम प्राइस में सेल कर सकता हूँ। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस भेज दें मेरे पास, ऑनलाइन पेमेंट कर देना, आप इसका ऑनलाइन रेट चेक कर लें, उसके हिसाब से कम रेट में आपको मैं दे। अभी मैं इसको बदला क्यों, शुरू में मैंने सोचा जैसे ऑनलाइन हम देखते हैं बहुत सी वीडियो आती हैं तो वहाँ से हम अपना जो है मूल्यांकन करते रहते हैं कौन सी चीज़ लें, तो अभी मैंने ली है वो कितनी अच्छी निकलती है वो बात की बात है। लेकिन ये एम ऑडियो मैंने बदल दिया है, अभी मेरे पास पड़ा है, तो आप दोस्तों में से जिसको चाहिए हो कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताएं। एम ऑडियो को छोड़कर मैंने अभी जो लिया है तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ, कैमरा में अभी घुमाता हूँ, इसमें ध्यान से देखना। इसका नाम अर्टूरिया मिनी फ्यूज, आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर मेरी वोकल जा रही है, ये भी आपको कंडेंसर में चल रहा है, मेरी वोकल आपको नजर आ रही है। इसके अंदर दो माइक में चला सकता हूं, एक माइक तो यहां है मेरा, दूसरा माइक ये लगा हुआ है, दोनों कंडेंसर माइक लगा रखे मैंने। ये हमारा जो इसमें स्टूडियो लगाते हैं उसके लिए वोकल है, इसमें कम ज्यादा यहाँ पूरी वोकल को सेटिंग करने के लिए है। और यहाँ पे हेडफोन, अभी देख रहे ये हेडफोन के लिए, हेडफोन की कितनी आवाज मुझे चाहिए, जैसे मैं अभी कम ज्यादा हो रही है हेडफोन की आवाज, आप हेडफोन लगा के सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। और आवाज को कम ज्यादा पूरी को इसके लिए कंट्रोल जरूरी है, ये है स्टूडियो, ये है अर्टूरिया मिनी फ्यूज 2। अभी तक दोस्तों बहुत बढ़िया चल रहा है, उसमें जो प्रॉब्लम थी वो इसमें मुझे फेस नहीं करनी पड़ी। तो एफएल स्टूडियो के अंदर जहाँ कोई भी डाव आप चलाते हैं वहाँ ये काम करेगा, इसके साथ जैसे आप अटैच करेंगे इसके साथ बहुत कुछ और भी मिलता है, उनके बारे में मैं बाद में जानकारी दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। इंटरफेस अभी तक मैं चला रहा हूँ, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, रिकॉर्डिंग बहुत बढ़िया कर रहा है, हेडफोन पे आवाज़ इसकी बहुत साफ नज़र सुनाई दे रही है। मेरे पास स्टूडियो नहीं है लेकिन सिंपल एक JBL वाला जो है उसके मैंने अटैच कर रखा है, उसकी वोकल भी बहुत अच्छी आ रही है। तो आप दोस्तों से मैं ये बात इसलिए रख रहा हूँ, इंटरफेस अगर नया लें तो अर्टूरिया मिनी फ्यूज में कोई शिकायत नहीं अंदर आप ले सकते हैं। अगर आप बजट कम है, अभी काम सीख रहे हैं, सीखने के लिए आपको पुराना सेकंड हैंड जैसे चाहिए हो तो मेरे पास एम ऑडियो है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ, कोई भी मेरे से ले सकता है दोस्तों। और इसके साथ जो VST आई है, बहुत सी ऑटो ट्यून आई है, उसके बारे में पहले मैंने एक दो वीडियो बनाई है लेकिन अभी मैं उस सीरीज में आपको इसकी जानकारी देता हूँ। तो ये अभी आपको जैसे इसके अंदर वोकल है, ये मिनी फ्यूज 2 जो है ऑटो ट्यून का,
उसी के अंदर में लगा के चलाया कि आपको मेरी वोकल भी इसमें आ रही है नजर। मैंने इसको साइड चेंज थोड़ा सा कर रखा है कि म्यूजिक की आवाज़ कम और मेरी आवाज़ आपको समझ आती रहे, इसलिए चलाया हुआ है। तो आप मेरे चैनल पे आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें जो म्यूजिक सीखते हैं, सेवा का काम हो जाएगा आपका। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैं आप दोस्तों के लिए, अभी जैसे मेरे पास समय निकलता रहेगा, मैं वीडियो बना के म्यूजिक से संबंधित एफ स्टूडियो डा सभी अच्छे हैं, लेकिन जिसमें आप कर रहे हैं ना उसी में काम कर रहे हैं, बस डा में कुछ हेर फेर है, लेकिन उसके अंदर वोकल की सेटिंग करनी, म्यूजिक बनाना, बीट बनाना, पियानो बजाना, उसमें कुछ अलग नहीं, बिल्कुल अलग नहीं, इफेक्ट लगाना बिल्कुल अलग नहीं, वो सेम का सेम है, सिर्फ डा में जो इसके अंदर रिकॉर्डिंग होती है उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हेर फेर है, बाकी कहीं कुछ कमी नहीं। तो मुझे उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो मेरे